एक होती है फर्स्ट कॉपी और एक होती है जो A7 कॉपी होती है। तो ये जो है ये आपका फर्स्ट कॉपी है, इसका ऐसा होगा कि आप जो थोड़ा फैब्रिक होगा उसको देख के आप पहचान पाएंगी। और ये आ गई पेपे, ये हमारी ओरिजिनल है, 100% ओरिजिनल है। ये भी मैं आपको स्कैन करके दिखा देता हूँ, चीज़। तो स्कैनिंग में भी एक बहुत ज़्यादा आपका जो क्या बोलते हैं फ्रॉड रहता है। स्कैनिंग में आपका सबसे ज़रूरी बात ये होती है देखने के लिए कि जो आपका स्टाइल कोड है वो वही आना चाहिए फ़ोटो के साथ जो आपका मतलब शर्ट पे लगा हुआ है। तो बेसिकली जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ब्रांड बिल होता है, ये आपको कोई इंसान नहीं बताएगा इस लाइन के अंदर, तो खासकर कोई इंसान नहीं बताएगा। बस मैंने प्राइजेज और छुपाए हैं आपसे जो बेसिकली मेरा बत्ता भी है। मैं इसको स्कैन करके दिखा देता हूँ आपको। तो इन्होंने यहाँ डायरेक्टली बोल दिया कि अननोन प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं है। क्या जो है हमारे दर्शक यहाँ से ले सकते हैं? तो जो ये वाला सेगमेंट है इसकी थोड़ी सी बात करते हैं। तो इसमें क्या क्या ये रखे हैं आपने, किस तरीके के कुर्तीज़ हैं या सूट्स हैं? है तो दोनों साइड से ऐसे, मतलब डिज़ाइनर ये भी चीज़ है, डिज़ाइनर वो भी है, बस वो थोड़ी एक्सेप्शनल है। ये आप ऑर्डिनरी है, मैं देखो झूठ नहीं बोलूँगा, बाकी शॉप्स में भी ये चीज़ें ईजिली अवेलेबल हो सकती है आपको, बट वो चीज़ें जो हैं वो ईजिली अवेलेबल नहीं होंगी। ये मेरी श्योरिटी है बाकी शॉप्स में, बाकी इनमें भी चीज़ अपनी यूनिकनेस है, उनके अंदर भी अपनी यूनिकनेस है। इसके अंदर क्या है, अभी थोड़े हम लोगों के लिए ऐसी चीज़ें भी लाए थे कि लोगों को दिखाने के लिए। क्या था कि मैंने मंडी में एक बड़ा देखा है कि जैसे W की कुर्तियाँ, ये क्या बोलते हैं आपकी बीबा हो गया, ये हो गया, तो इनकी कुर्तियाँ बड़ी मतलब वैसे देखिए बिकती हुई। और मेरे काफ़ी ज़्यादा मेरी मासी के साथ भी एक इंसिडेंट हुआ था थोड़े टाइम पहले, मैं नेम तो चलो किसी का नहीं बोलता, बट मतलब उनके मतलब वो A7 क्वालिटी लेकर आए ओरिजिनल बोल के, और उन्होंने 3500 मतलब उस चीज़ का दिया था। तो मुझे वो चीज़ भी काफ़ी लगी, तो मैंने सोचा कि मैं जब बाहर आया हूँ एक्सप्लोर कर ही रहा था तो मैं अच्छे से लोगों को दिखा सकूँ, तो मैंने थोड़ी सी चीज़ें लाया था उसके अंदर, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि अब ये एक पीस लाया था मैं, ये इस टाइम पर आपकी टू टाइप की क्वालिटी होती है जो कॉपीज़ में आती है, एक होती है फर्स्ट कॉपी और एक होती है जो A7 कॉपी होती है। तो ये जो है ये आपका फर्स्ट कॉपी है, इसका ऐसा होगा कि आप जो थोड़ा फैब्रिक होगा उसको देख के आप पहचान पाएंगे कि चीज़ क्या है क्या नहीं है। इस पर सारा आपका क्या बोलते हैं MRP टैग और बार कोड वगैरह सब लगा होगा, बट आप जब इसको नॉर्मली स्कैन करेंगे तो ये चीज़ स्कैन नहीं होगी। एक तो ये टाइप है, और एक टाइप है हमारे पास जो आपकी आती है A7 में, ये जेनिफर की चीज़ है, जेनिफर की कुर्ती है। और आप भी मैम अगर इसको शायद कपड़े को फील करेंगे तो आपको भी मतलब फ़र्क पता लगेगा चीज़ के अंदर। ये चीज़ जो थी इसका कपड़ा और इसमें काफ़ी फ़र्क है, बट ये जो चीज़ है ओरिजिनल ये भी नहीं है। ये A7 जो होती है वो जस्ट मतलब आपका ऐसा होता है कि जो ब्रांड्स हैं उसके नीचे फॉल करती है, तो ये चीज़ भी आपकी वो नहीं है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ, इसको स्कैन करके भी दिखा देता हूँ, ये चीज़ स्कैन नहीं होगी आपकी। और मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ, जो स्कैनिंग होती है जो ब्रांड्स होते हैं जो फॉरेन से जितने भी ब्रांड्स आते हैं वो सारों की स्कैनिंग सिर्फ आईफोन से ही हो सकती है, और किसी चीज़ से आपकी उसकी स्कैनिंग नहीं होती है। तो दर्शकों ये भी इम्पॉर्टेंट बात है कि आईफोन से ही वो स्कैनिंग होगी, आप एंड्रॉयड से नहीं कर सकते, और फिर आप कहेंगे कि ये तो हो ही नहीं रहा है। तो जैसे उन्होंने बताया कि आईफोन से ही होगी। सामने कर देता हूँ, जैसे कि ये चीज़ है, मैं इसको स्कैन करके दिखा देता हूँ आपको। तो इन्होंने यहाँ डायरेक्टली बोल दिया कि अननोन प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के बारे में उनको कोई नॉलेज नहीं है। तो ये तो थी ऐसी, तो मैं ओरिजिनल तो कुछ नहीं लाया इसके अंदर, और जो भी मिलता है ओरिजिनल वो सारा सरप्लस मिलता है, अनलेस आपके पास जो है एक जैसे W का जो है मतलब सर्टिफिकेशन हो कि आप ऑथराइज तरीके से उसको बेच सकते हैं। और कोई भी मिक्स स्टोर के अंदर कोई सर्टिफिकेशन नहीं मिलती है, एक ही स्टोर में मिल सकती है अगर आपका डायरेक्ट, या तो W का पूरा शोरूम होगा तब वो मतलब अथेंटिकेशन देते हैं आपको कि आप बेचें। चाहे कोई भी शोरूम लेंगे, आप किसी भी चीज़ का लेंगे, हर एक का अपना सिंगल स्टोर होता है। एक शॉपर स्टॉप इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पे आपको मतलब मिक्स ब्रांड्स मिल सकते हैं, वहाँ पे भी ये ब्रांड्स नहीं डील करते। तो मैं सरप्लस की भी कुछ चीज़ें लाया था, उसको भी आपको दिखा देता हूँ एक बार स्कैन करके। और ये आ गई पेपे, ये हमारी ओरिजिनल है, 100% ओरिजिनल है। ये भी मैं आपको स्कैन करके दिखा देता हूँ, चीज़। तो स्कैनिंग में भी एक बहुत ज़्यादा आपका जो क्या बोलते हैं फ्रॉड रहता है। स्कैनिंग में आपका सबसे ज़रूरी बात ये होती है देखने के लिए कि जो आपका स्टाइल कोड है वो वही आना चाहिए फ़ोटो के साथ जो आपका मतलब शर्ट पे लगा हुआ है, मतलब कि जो इस वाले टैग पे लगा है यही
कोड आपका होना चाहिए यहाँ पे। तो हम देख लेते हैं, जैसे ये स्कैन किया मैंने तो ये सेम शर्ट आ गई है। पहले तो शर्ट भी दिखा देता हूँ मैं आपको, सेम शर्ट आ गई है आपकी यही, और यही क्या बोलते हैं इस पर स्टाइल कोड भी दिखा देता हूँ। जैसे ये देख लो, PM541187 का कोड है और रेड एम है, और वही यहाँ पे भी सेम है। तो इससे पता लगता है, बाकी भी आपको ऐसा ना लगे कि सेम ही, मतलब कि भाई एक ही प्रोडक्ट है सिर्फ, बाकी पीछे फेक हैं। तो मैं और भी दिखा देता हूँ आपको, दो और निकाल के ये भी दिखा देता हूँ, ये वाला, इसको भी दिखा देता हूँ स्कैन करके। तो इस पर भी आप देख सकते हैं सेम टी शर्ट आई है, और ये देखो लिखा है इसका PM541107, और सेम वही है दोनों जगह पे। तो जो जो कॉपीड होती है सर, वो क्या फिर वो स्कैन नहीं होती है सर? मैम वो स्कैन हो जाती है, बट मैंने जो आपको चीज़ बताई उसके अंदर जो, ये ज़रूरी नहीं होता हर एक जो होता है वो अलग तरीके से डिज़ाइन किया होता है कोड। तो कई कोड्स में ऐसा होगा आपके पास, आप स्कैन करेंगे वो खुल जाएगा, सेम फोटो दिखा रहा होगा, बट जो उसका स्टाइल कोड होगा वो मैच नहीं करेगा, वो अलग हो जाएगा। तो आप वहीं पर मतलब जान सकते हैं कि वो चीज़ कॉपी है। दर्शकों देखा, आप इस तरीके से भी पता लगा सकते हैं कि कौन सी ओरिजिनल है और कौन सी चीज़ जो है कॉपी है। तो ये भी हमने आपको बताया आज इस कार्यक्रम में। बाकी एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं, वो ये चीज़ आपको कोई ज़िंदगी में नहीं बताने वाला इस बिज़नेस लाइन के अंदर। जब कोई सरप्लस में ब्रांड लेते हैं ना, तो उसका ब्रांड बिल जो होता है वो बाय उसका नेम होता है। जैसे कि मान लो, जैसे ऐसा नहीं होगा कि टी शर्ट लिखा होगा नीचे अलग से लिख दिया होगा पेपे जीन्स, नीचे को नहीं लिखा होगा, वो ऊपर ही लिख के देंगे पेपे जीन्स टी शर्ट। तो वो मतलब असली ब्रांड बिल होता है, वो भी मैं आपको शो करा दूंगा कि मतलब वो है या नहीं। कई बार ऐसा होता है जैसे एक्सपोर्ट की चीज़ें जो आती हैं उनमें टैक्स काट दिए होते हैं, तो उनको पहचानने का फिर एक ही तरीका रह जाता है, या तो आप ब्रांड बिल देख लें कि ब्रांड बिल पे नेम मेंशन ब्रांड बिल जो होता है अगर वो मिल रहा है तो तब वो चीज़ ओरिजिनल है, वरना वो चीज़ ओरिजिनल नहीं। तो बेसिकली जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ब्रांड बिल होता है, ये आपको कोई इंसान नहीं बताएगा इस लाइन के अंदर, तो खासकर कोई इंसान नहीं बताएगा। बस मैंने प्राइजेज और छुपाए हैं आपसे जो बेसिकली मेरा भत्ता भी है। बट ये देख लो, आपको ये चीज़ ऐसे दिखेगी पेपे, ये पेपे मैन टी शर्ट्स लिखा है, पूरा मैंशनड है ऊपर। तो ये चीज़ होती है, ये आपका ब्रांड बिल में ही मैंशन होता है सिर्फ ऐसे। और आपको A7 का एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ कैसे लोग मैंशन कर देते हैं। एक और एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ मैं आपको, उससे आपको भी क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये है ना, अब इसके अंदर A7 क्वालिटी है, अब लीवाइस जीन्स ली थी, ठीक है। इधर देखो ब्रांड बिल के अंदर ऊपर मेंशन था, यहाँ पे देखो आप मेंस असॉर्टेड पीसीज लिखा है, नीचे लिखा है लीवाइस जीन्स, मतलब कि ये जो है असली ब्रांड बिल नहीं है। तो ये मतलब आपको मतलब चीज़ें हैं जो बताती हैं, जैसे हमारे पास ये वाली जीन्स है, ये अब A7 क्वालिटी में लीवाइस की जीन्स है। तो आप इसकी क्वालिटी में आपको दिखा देता हूँ, इवन आप भी सोच में पड़ जाएंगे दो मिनट की ओरिजिनल है या नहीं है। तो ये आपकी A7 क्वालिटी है लीवाइस की जीन आपको दिखा रहा हूँ। फैब्रिक मैम आप देख सकते हैं कितना पतला और कितना, मतलब जिस टाइप का जीन्स लीवाइस के लिए ऑफर करती हैं सेम फैब्रिक वैसा मिलता है आपको इनमें। तो ये आपकी A7 क्वालिटी है। फर्स्ट कॉपी का डिफरेंस भी मैं आपको इस चीज़ में दिखाता हूँ, मैंने सिर्फ बूटकट जीन्स रखी हैं फर्स्ट कॉपी में, क्योंकि कंपनीज अभी वो बना नहीं रही हैं, तो वो भी मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ। ये आपकी फ़र्स्ट कॉपी है जो ये चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसको फर्स्ट कॉपी होती है। इसका फैब्रिक जो होता है वो काफ़ी मतलब मोटा होता है, जीन की क्वालिटी भी मतलब अलग रहती है थोड़ी। ये जो आपकी A7 क्वालिटी आती है ना, A7 क्वालिटी के अंदर आपको टैग से लेके हर एक चीज़ होगी वो ओरिजिनल होगी। टैग देखो इसके अंदर भी लगा है, बट इसमें कोई MRP वगैरह कुछ नहीं है। ये चीज़ें मतलब थोड़ा है जो और बताती है इनके बारे में, A7 का है। अब इसका जो टैग है ये डिटो टैग देते हैं, बिल्कुल जैसा आप ब्रांड देता है आपको। इन चीज़ों से भी पता लगता है कि मतलब ये A7 है या क्या है। और इसका फैब्रिक जो होता है वो बहुत प्यारा होता है, मतलब आपको ऐसा है कि सिंगल टाइम में उड़ने वाली चीज़ नहीं है कि एक दो वॉश किया आपने और चले जाएगा। तो उस हिसाब से भी बहुत बेस्ट है। और इसकी प्राइसिंग मैं आपको बताता हूँ, मार्केट में आपको फर्स्ट कॉपी 1400-1500 से नीचे नहीं मिलेगी, और यहाँ पे मैं आपको ये सेम चीज़ A7 क्वालिटी के अंदर 1619 की दे रहा हूँ डिस्काउंट पे, और 1619 में भी 161 आपके कार्ड में जाएंगे। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।